बिजली डॉक्टर साहब की शायद पोस्टिंग, शायद मुझे पता, इससे पहले इरशूर सौरभ में थे, डॉक्टर साहब की पोस्टिंग आज गगनगीर सोनमर्ग में थी, लेकिन कल ये नागान आफत और ये क़यामत की खबर जब हम पर पड़ी तो पूरी बस्ती बेबस बेकस और लाचार है। हर आँख में, हर आँख पूर्णम है, शिव को पकार मुसीबत क्या है, हर एक छोड़ रहा है कि ये हमारी एक आजमाश है। जो कल डॉक्टर साहब सुबह हमारे साथ था, आज इस वक्त हमसे दूर चुन गए हैं। एक डॉक्टर साहब प्रोफेशन से डॉक्टर थे और इसके साथ साथ एक दीनदार ख़ानदान से एक दीनी महारत भी रखते थे और पंख पाबंद सलाह थे, और इसका एक करेक्टर और इस प्रोफेशन एक मॉडल कैठा जो हमारे लिए एक मिशल रहेगा कि डॉक्टर साहब ने ज़िंदगी वक्फ कर दी इस कौम के लिए। अभी छोटा ही था लेकिन जितना चला उतना वक्फ किया कौम के लिए। डॉक्टर साहब ने पीछे दो बेटी और एक बेटी को छोड़ गया। डॉक्टर साहब की बेटी की शादी चार दिन पहले शादी हुई, लेकिन ये सदमा एक ख़ानदान के लिए, ये सदमा एक पूरी कौम के लिए, और जिस पर आज हमारे पॉलिटिकल सीनियर भी आ गए कि हर एक इस पर मातम कदाएँ, हर एक अपने टी वी ठंडल पर कराएँ, ये एक बुजदिला और कवर निसक्ट हैं कि मरना तो मरना है, लेकिन ये इससे और उस ने भी पनाह मांगी। एक अचानक और हादसाती मौत से अचानक मौत हुआ, न कोई बीमार था, यहाँ से ड्यूटी हो गया और वहाँ से उसकी अब डेड बॉडी आ रही। हमारे एक नागहानी आफत और एक मुसीबत की खबर हम पर पड़ी, और हम इस खल्ला को पुर करने के लिए क्या करेंगे कि ये नामुमकिन और मुमकिन कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब एक अलग क्वालिटी थी, एक नोबल था, एक ग्रेशियस, एक जॉयस, एक शेर दिल थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, डॉक्टर साहब हमसे चिन गए।